उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस को एक बदमाश को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं SPCT प्रमुख प्रताप सिंह ने बताया कि हमेशा की तरह चेकिंग के दौरान प्रभारी थाना मंडी ने बदमाशों को रोकने का इशारा किया तो बदमाश भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों को भागता देख बदमाशों का पीछा किया, जिसमें बेहट बस स्टैंड के पास पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश बबली को पैर में गोली लगी और दूसरा भागने में कामयाब हो गया। पकड़ा गया बदमाश बबली मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है। इस पर पहले भी लगभग कई मुकदमे दर्ज है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राइम स्टोरी के लिए सहारनपुर से जिला संवाददाता अंकुर सैनी की रिपोर्ट। क्या आपकी जानकारी बताना चाहूँगा, जैसे हमेशा की तरह चेकिंग होती है, आज भी चेकिंग हो रही थी और चेकिंग के दौरान प्रभारी मंडी को इन्होंने एक बदमाशों को रुकने का इशारा किया, तो रुकने के दौरान जो है बदमाशों ने जब ना रुक करके भागने का प्रयास किया तो पुलिस के द्वारा चेज किया गया। बेहट बस अड्डे के पास में क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी है और दूसरा बदमाश वहाँ से फरार हो गया है। जो बदमाश को गोली लगी है उसे आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसका नाम बबली बताया गया है। ये थाना झिंझाना मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और ये पुराना लुटेरा है। इस पर लगभग 3 मुकदमे हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल है और उसका भी इलाज हो रहा है। अभी मैं हॉस्पिटल इसीलिए आया हूँ।